नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 News। SPN 9 News में आपका स्वागत है। नवजोत सिंह सिद्धू की NRI बहन सुमन तूर ने सिद्धू और उनके परिवार के सदस्यों के साथ तस्वीरें जारी की हैं। दरअसल चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुमन तूर ने सिद्धू पर अमानवीय व्यवहार और जातिया करने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। तूर ने कहा, नवजोत सिंह तू ने झूठा बयान दिया कि मेरे माता पिता न्यायिक तौर पर अलग हुए थे। तूर ने कहा, नवजोत सिंह सिद्धू काफी निर्दयी हैं। इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी नवजोत कौर ने सुमन तूर को पहचानने से ही इनकार कर दिया था, जिसके बाद सुमन की ओर से फोटोज जारी की गई। बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू शनिवार को पंजाब चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन से पहले सिद्धू के घर में फैमिली ड्रामा जारी है। सुमन तूर ने सिद्धू पर वह भी आरोप लगाया था कि 1986 में पिता भगवंत सिद्धू की मौत के बाद सिद्धू ने उनकी मां निर्मल भगवंत और बड़ी बहन को घर से निकाल दिया था। उसकी मां ने अपनी छवि बचाने के लिए दिल्ली के चक्कर काटे और अंत में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उनकी लावारिस की तरह मौत हो गई। सुमन तूर ने कहा कि सिद्धू ने ये सब प्रॉपर्टी के लिए किया। सिद्धू की बहन सुमन तूर ने कहा, मैं नवजोत सिंह से अपने अमृतसर उनके घर गई थी, लेकिन उन्होंने गेट नहीं खोला। यहाँ तक सिद्धू ने उन्हें व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया। सुमन तूर ने कहा कि वो 1990 में अमेरिका चली गई थी, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी मां निर्मल महाजन उर्फ निर्मल भगवंत के साथ काफ़ी जातियाँ की और उन्होंने कई बार अपने भाई नवजोत सिंह सिद्धू से बात करने की कोशिश की, लेकिन सिद्धू ने घर घुसने की उन्हें इजाज़त नहीं दी। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी उनके बचाव में आ गई। सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने कहा, सिद्धू के पिता भगवंत सिंह ने 2 शादियाँ की थी। सिद्धू की 2 बहनें उनके पिता की पहली शादी से हैं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिएगा SPN 9 News। धन्यवाद।